तो गाइस यार अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमने जो है यहाँ पे पीछे इस पंखे को इस तरीके से किस लिए बांधा है। मगर गाइस यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस पंखे के साथ में बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो क्या है अभी आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि अगर हम लोग किसी चलते हुए पंखे के अंदर कोई डंडा या कोई चीज अगर डाल दे तो हमारा जो ये पंखा रहता है हमारी उस चीज का क्या हाल करेगा, क्या हमारा जो ये पंखा है उस चीज को एकदम काट डालेगा या उसके साथ में क्या करेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसी चीज को चेक करने वाले हैं। चलो फटाफट से देखने की तरीके आप लोग जो अपना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और समझ वाले की वीडियोस को देखने के लिए हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो गाइस यार अब जो है हमारी लगभग सारी चीजें एकदम रेडी हो चुकी है। अब चलो हम लोग जो फटाफट से 3, 2, 1 करते हैं और फिर जो है इस डंडे को इस पंखे के अंदर डाल देते हैं। तो गाइस यार 3, 2 and 1 लेट्स गो। तो गाइस यार अभी आपने देखा कि एक बार में जो हमारा डंडा है एकदम उसके अंदर चला गया और देखो यहाँ पे जो है पंखे से यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कट भी लग चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब चलो हम लोग जो है फिर से एक बार इस पंखे के अंदर इस डंडे को डाल कर चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारे पंखे का क्या हाल हो चुका है, उसकी पंखी भी एकदम बुरी तरीके से मुड़ चुकी है। देखा भी आप सबने कि हमारे इस पंखे का जो है क्या हाल उसका है। अब चलो एक बार से हम लोग जो है इसकी पंखी को सीधा करके और फिर इसके अंदर एक बार इस डंडे को डाल कर देखते हैं। तो कई सर एक बार जो है दोबारा से भी हमारा पंखा स्टार्ट हो चुका है। अब चलो फटाफट से इसे स्पीड में थोड़ा होने देते हैं और फिर जो है इस डंडे को इसके ऊपर छोड़ कर देखते हैं। बाकी हमारे पंखे ने भी जो थोड़ा थोड़ा पावर लगाया है, देखो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कट लग चुका है। डंडे को डालते हैं तो हमारा डंडा नहीं टूटेगा बल्कि हमारे जो पंखा रहेगा वही पूरा टूट जाएगा। तो अगर आप लोग को मजा आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस तमाम वीडियोस को देखने के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।